हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले प्यारे बच्चों कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की पहले यूनिट की। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले वाला वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा प्यारे बच्चों। हमने वहाँ पर ये बातें क्लियर कर लिया था कि इस सेशन में इस साल हम लोगों को क्या पढ़ना है और कहाँ से कितने नंबर हमको मिलने हैं। प्यारे बच्चों उम्मीद है आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो हमको आपको पता होगा कि हमारा पहला यूनिट विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र है। प्यारे बच्चों विद्युत और आवेश और विद्युत क्षेत्र उसी चैप्टर को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे प्यारे बच्चों। और चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपके टाइम को गवाए हुए। प्यारे बच्चों आज की टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग वो जान लेते हैं कि आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखने वाले प्यारे बच्चों। तो वो आज की टॉपिक हमारी ये रहने वाली, ध्यान से देखिएगा आज की टॉपिक हमारी क्या है प्यारे बच्चों, विद्युत की पढ़नी है। सबसे पहले विद्युत की क्या होती है वो पढ़ना है, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों विद्युत आवेश पढ़ना है दूसरी टॉपिक, फिर आवेश का मूल गुण। आज की क्लास बिल्कुल आसान और अच्छा रहने वाला प्यारे बच्चों, जरा सा भी कहीं भी भटकना नहीं है। विद्युत की, विद्युत आवेश और आवेश के मूल गुण, इतनी बातों का चर्चा हम लोग आज की क्लास में करेंगे। चलिए बिना आपके टाइम को गवाए हुए टॉपिक पे चलते हैं कि आज की टॉपिक में पहली टॉपिक जो है वो हमारी क्या है, विद्युत की है। क्या है प्यारे बच्चों, विद्युत की। विद्युत की क्या होती है प्यारे बच्चों, आपको यहां दिखाई पड़ रहा होगा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशित वस्तु और आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विद्युत की कहते हैं। इसका मतलब जैसे हमने कहा कि से कोई आपने देखा होगा पेड़ उड़ होते हैं तो पेड़ की टहनियां जो होती हैं वो पेड़ की शाखा होती है। अब अमरूद का पेड़ है तो भैया उस टहनी में अमरूद ही फरेगा तो हम कहेंगे कि भैया ये अमरूद की शाखा है। तो सेम प्यारे बच्चों यह भी भौतिक विज्ञान की एक शाखा होती है, पर इसके अंतर्गत हम लोग आवेश और आवेशित वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, आवेश और आवेशित वस्तुओं से आधारित घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वो हमारा विद्युत की कहलाता है। प्यारे बच्चों विद्युत की हमारी दो भागों में बांटी गई है, सबसे पहला भाग है प्यारे बच्चों स्थिर विद्युत की, दूसरा है धारा विद्युत या गति विद्युत गतिकी भी कहते हैं प्यारे बच्चों। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसको हम लोग प्यारे बच्चों विद्युत गतिकी के भी नाम से जानते हैं, और ये हमारा स्थिर विद्युत की होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, स्थिर विद्युत की और विद्युत गतिकी। अब स्थिर विद्युत की क्या होती है, हमने एक आवेश लिया एक जगह रख दिया, भैया वो एक आवेश लिया और एक जगह रख दिया, एक जगह रख कर आवेश के बारे में अध्ययन करना, एक जगह आवेश को अस्थायी रख दिए। ये देख लो, ये मान लो कोई आवेश है भैया, ये हमने एक जगह रख दिया, अब इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, स्थिर विद्युत की कहलाती है। तो नाम से प्यारे बच्चों आप बता सकते हो कि स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करना, स्थिर आवेश के बारे में, रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करना ही स्थिर विद्युत की कहलाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं भैया धारा विद्युत या विद्युत गतिकी क्या होती है। अब जो यही आवेश है वो चलने लगे, यही आवेश क्या करने लगे प्यारे बच्चों, चलने लगे, मतलब गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन करना विद्युत गतिकी या धारा विद्युत कहलाता है प्यारे बच्चों। एक बात और, जो आवेश आपका स्थिर रहता है, ध्यान देना, जब जो आवेश आपका स्थिर रहेगा वो आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और आवेश आपका अगर गतिमान हो जाता है तो गतिमान आवेश प्यारे बच्चों विद्युत धारा उत्पन्न करता है, विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तमाम चीज़ें उत्पन्न होती हैं। पर आपको इतना बात जरूर रखना है कि स्थिर आवेश के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, आवेश को एक जगह रख कर अध्ययन कर रहे हैं, आवेश आपका चलनशील नहीं है, आवेश आपका गतिमान नहीं है, तो उसके बारे में अध्ययन करना हमारी स्थिर विद्युत की के अंतर्गत आती है। अगर आवेश हमारा गतिमान हो गया उसके बारे में अध्ययन करना ही हमारी क्या कहलाती है बच्चों, धारा विद्युत या विद्युत गतिकी कहलाती है। ठीक, ये आपकी जो है वो कह लिया जाए एक प्रकार से कि चैप्टर के नाम से जुड़ी हुई एक टॉपिक थी, विद्युत की या विद्युत क्या होता है, वो चीज़ हम लोगों ने स्टडी किया। ठीक, हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारी नेक्स्ट टॉपिक थी विद्युत आवेश। नेक्स्ट टॉपिक क्या थी, विद्युत आवेश। प्यारे बच्चों पहला डिफिनीशन लिखा गया है, दो आपको दो दो डिफिनीशन लिखे गए हैं। देखिए सबसे पहला क्या लिखा है, आवेश पदार्थ का वह मूल गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ दोनों होना चाहिए प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर प्रभावित होते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा डिफिनीशन तुम लोगों ने कहीं सुना ही नहीं कि भाई आपने क्या लिखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल आसान है, आवेश पदार्थ का मूल गुण है, मतलब कहने का मतलब है कि पदार्थों में, सभी पदार्थों में यह गुण पाया नहीं जाता,
सभी पदार्थों में आवेश का मूल गुण नहीं पाया जाता, आवेश कुछ पदार्थों में पाए जाते हैं और जिनमें पाए जाएंगे उनको अगर हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो वो प्रभावित होंगे। कैसे, अब आओ समझते हैं प्यारे बच्चों कैसे होता है। देखिए, हमने कहा कि हमारे पास एक घर है, हमने क्या कहा प्यारे बच्चों कि हमारे पास एक घर है, क्या है, घर है, और उस घर में विद्युत क्षेत्र, इधर देख लो, ये हमने कहा एक घर है और इस घर में प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र, ध्यान से देखना, ये घर जो है विद्युत क्षेत्र से ये इसमें विद्युत क्षेत्र है, ध्यान से देखना ठीक। अब हमारे पास कोई दो ठो पदार्थ है, कोई दो पदार्थ है, एक पदार्थ का नाम ए है और ये कोई दूसरा पदार्थ है जिसका नाम बी है प्यारे बच्चों। अब इस पदार्थ को अगर हम कहाँ पर लेके जा रहे हैं भाई, इस रूम में लेके जा रहे हैं, इस रूम में लेके जा रहे हैं और इस पदार्थ को भी इस रूम में लेके जा रहे हैं, ध्यान से समझना। अब हमको पता करना है कि किसमें विद्युत आवेश है, किसमें विद्युत आवेश है, इसमें विद्युत आवेश है, किसमें विद्युत आवेश है, ध्यान से देखना। अब जैसे ही ये पदार्थ इस घर में प्रवेश करेगा मेरे प्यारे बच्चों ना, गजब की चीज आपको देखने वाली है, गजब की चीज देखने को मिलेगी। देखो, जैसे ही ये पदार्थ प्रवेश किया तो जो ए वाला था वो अपना रास्ता चेंज नहीं किया, वो सीधे निकल गया, सीधे निकल गया विद्युत क्षेत्र में जो ले गए ना, तो ये सीधे निकल गया। और जो ये बी वाला था, बी वाला अपना रास्ता क्या कर दिया, चेंज कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। जो बी वाला था वो अपना रास्ता चेंज कर दिया, इसका मतलब है कि बी में आवेश है और ए में आवेश नहीं है। वही चीज वहां वो बता रहा है कि भैया ये उस पदार्थों का वह मूल गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं, ये वस्तु थी ना प्यारे बच्चों, वस्तु ए और बी विद्युत क्षेत्र में ले जाने पे प्रभावित होते हैं। प्रभावित का मतलब इनका पथ बदल जाएगा, या तो ये इधर चले जाएंगे या तो ये इधर चले जाएंगे, विक्षेपित हो जाएंगे, अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। अब आप बताओ, मोटी मोटी बातें हमको क्या सीखनी है कि आवेश पदार्थ का वह मूल गुण होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र में ले जाने पे वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, ये हमारी डिफिनीशन क्लियर हुई। अगली डिफिनीशन क्या लिख रहा है, अगला है कह रहा कि संसार में कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनको आपस में रगड़ने पर उनमें एक विशेष गुण उत्पन्न होता है जिसके कारण वह हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। कैसे, आओ देखते हैं कौन कौन सी ऐसी पदार्थ हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होती हैं, सभी नहीं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे हम लोगों ने बहुत बार प्यारे बच्चों ये करके देखा है, कंघा आपने देखा, कंघा देखा नहीं देखा, चलो कंघा का एग्जांपल उठाते प्यारे बच्चों। देखो, आपने एक कंघा देखा होगा, ठीक, कंघा देखा है ये, ठीक, ये प्यारे बच्चों कंघा है, ये क्या है आपका कंघा है। अब इस कंघे को आप लोग क्या करते हो कि बालों से रगड़ देते हो, किससे रगड़ देते हो प्यारे बच्चों, बालों से। कंघे को जब सूखे बालों से रगड़ते हो, किससे रगड़ते हो प्यारे बच्चों, सूखे बालों से। तो जब कंघे को सूखे बालों से रगड़, ये हमारा चीज कंघा है, ठीक, ये कंघा है और ये सूखे बाल है, ये सूखे बाल हैं और ये कंघा है। भैया जब कंघे को सूखे बाल से रगड़ते हो, अब कंघे को सूखे बाल से रगड़ने के बाद अब इस कंघे को जब लोग आप अपने इन बालों के पास लेके जाते हो, जो हाथ के बाल हैं या जो हल्के फुलके जो तिनके रहते हैं, जो मूंगफली के कण रहते हैं, मूंगफली के छिलका आपने देखा होगा ना, तो प्यारे बच्चों जब इस कंघे को हम इससे रगड़ते हैं, जब कंघे को सूखे बाल से रगड़ते हैं ना, तो रगड़ने के बाद क्या होता है कि ये जो कंघा होता है, ये जो कंघा होता है प्यारे बच्चों, ये जो है इन पतले पतले ये जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, इनको ये अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। या आपने भी कभी देखा होगा, या तो प्यारे बच्चों आपने ये देखा होगा, कभी कभी आप लोग जो है ठंडी के सीजन में ऊनी कपड़ा जो पहने रहते हैं, ऊनी कपड़े को क्या करते हो, जब आप लोग ऊनी कपड़े को कभी रगड़ जाता है आपके शरीर से, तो क्या होता है कि ऊनी कपड़ा जैसे ही आपके शरीर से रगड़ता है, वैसे ही जो है आवेश उत्पन्न हो जाता है और जो ये बाल हैं, सारे बाल उस ऊनी कपड़े के कारण जो है ऊनी कपड़े की तरफ आकर्षित हो जाता है। होता ही नहीं होता, आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, अब याद आ रहा होगा, हाँ ये तो होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं कि अगर हम जिनको आपस में रगड़ें तो उनमें एक गुण उत्पन्न होगा जिसके कारण वो छोटे 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 कणों को अपनी तरफ क्या कर लेंगे, आकर्षित। अब कंघा को हम लोगों ने सूखे बाल से रगड़ दिए प्यारे बच्चों, अब जैसे ही कंघे को सूखे बालों से आपने रगड़ा, फिर इस कंघे को छोटे 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 पार्टिकल के पास लेके आओगे, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो जिस गुण के कारण यह आकर्षित कर रहा है ना, जिस गुण के कारण यह खींच रहा है, उसी गुण को हम नाम देते हैं विद्युत आवेश। बोलो, इतनी बात क्लियर हुई,
अच्छा अगर नहीं क्लियर हुआ होगा प्यारे बच्चों तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। आपने बचपन में स्केल देखा होगा, अभी भी देख रहे होगा, ऐसा बात नहीं प्यारे बच्चों, स्केल आपने देखा है, देखा होगा। अब स्केल ले लीजिए, स्केल को हम लोग क्या करते हैं, स्केल को सूखे बालों से रगड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे करके बचपन में हम लोगों ने बहुत सारी बार किया था कि जब स्केल को सूखे बालों से रगड़ते हैं, उसके बाद स्केल को रगड़ने के बाद क्या करते हैं कि छोटे 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 कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते थे, तो छोटा छोटा कागज का टुकड़ा क्या कर जाता था, छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लेता था, खींच लेता था प्यारे बच्चों, खींचता था नहीं खींचता था, खींचता था ना। तो जिस गुड़ के कारण वो स्केल उसको खींचता है उसी गुड़ को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। बोलो बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई मेरे प्यारे बच्चों। चलो एक आख एग्जाम्पल और आप रहर सकते हो प्यारे बच्चों, अब बहुत सारे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। कांच की छड़ हो गई, कांच के छड़ को सूती के कपड़े से रगड़ दो, स्केल को सूखे बाल से रगड़ दो, बिल्ली की खाल को आबुनस की छड़ से रगड़ दो, बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे प्यारे बच्चों। और ध्यान देना, ये विद्युत आवेश की जो शुरुआत थी ना प्यारे बच्चों, वो पहले ठीक प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा क्या है ये बात आपको समझ में आई, कि ये आपका आवेश क्या है, ये आपको समझ आया, ये दोनों परिभाषा। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों आगे की। अब आवेश की एक परिभाषा और ध्यान से समझते प्यारे बच्चों, आवेश की एक परिभाषा और, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार आवेश क्या हो सकता है, विद्युत आवेश क्या हो सकता है प्यारे बच्चों। तो जब दो परमाणुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण जो गुण उत्पन्न होता है उसे विद्युत आवेश कहते हैं। जब दो परमाणु, चलो पहले परमाणु ले लेते हैं, ध्यान देना परमाणु छोटे छोटे कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो दो कोई परमाणु लेते हैं, ध्यान से समझना जो बातें वहां कही गई है उस बातों को हम समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना कि ये कोई एक परमाणु हो गया प्यारे बच्चों, ठीक, और ये इसकी भैया इसके अंदर जो थे ये इनके न्यूक्लियस यानी नाभिक हो। इस परमाणु का नाम प्यारे बच्चों एक्स है, इस परमाणु का नाम एक्स है, और इस परमाणु के नाभिक में 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन है, ठीक, 7 प्रोटॉन है। अच्छा न्यूट्रॉन की हम लोगों को कोई प्यारे बच्चों जरूरत नहीं है तो हम लोग उसको हटा देते हैं। चलो 7 प्रोटॉन है, हमने एक लाइन पढ़ा होगा कि किसी परमाणु में जितना धनावेश होता है उतना ऋणावेश भी होता है। इसका मतलब है प्यारे बच्चों इस परमाणु के बाह्य कोश में, इस परमाणु के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। बोलो 3 3 6 1 7, लो 7 हो गए प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर हुई, ये कोई परमाणु एक्स है जिसके नाभिक में 7 प्रोटॉन है, तो इसके बाहरी कक्षा में घूमने वाले 7 इलेक्ट्रॉन हुए, तो जितना ऋण आवेश उतना धन आवेश, इसीलिए परमाणु सामान्य अवस्था में उदासीन होता है प्यारे बच्चों। अब देखिए अब हम लोग दूसरा परमाणु बनाने वाले हैं, ध्यान से देखना। अब हम लोग ये कोई प्यारे बच्चों एक दूसरा परमाणु बना लिए, ये कोई जो दूसरा परमाणु है इस दूसरे परमाणु का क्या नाम है प्यारे बच्चों, वाई। दूसरे परमाणु का क्या नाम है, वाई, ध्यान से देखिएगा दूसरे परमाणु का क्या नाम है, वाई है, और इसके नाभिक में आपने कहा 3 प्रोटॉन है, कितने हैं प्यारे बच्चों, 3 प्रोटॉन है। तो हमको अच्छे तरीके से पता है, आपको भी पता है प्यारे बच्चों, अगर 3 प्रोटॉन है तो इनके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, जितने प्रोटॉन रहते हैं उतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब देखिए रगड़ने से पहले जितना धन आवेश है उतना ऋण आवेश है, इसलिए ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, पर ये क्या कर रहे हैं कि जब दो परमाणुओं को आपस में रगड़ा जाता है, चलो इतनी बात कंप्लीट करते हैं, वो जो कह रहे हैं भैया ये हम लोग कह दिए कि ये रगड़ रहे हैं, ये रगड़ रहे हैं, ठीक, रगड़, ठीक, दोनों परमाणुओं को आपस में हम लोग क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। अब जब रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो जाता है, स्थानांतरण का मतलब है प्यारे बच्चों कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे परमाणु में चले जाते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि किस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, तो प्यारे बच्चों उन परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा जिस परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन बंधुत्व कम हो। इलेक्ट्रॉन बंधुत्व का मतलब है इलेक्ट्रॉन को बांधने की जो पावर है वो कम होगी, उनसे इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में चला जाएगा। तो यहां इमेजिन करेंगे प्यारे बच्चों कि किसी एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन
के बांधने की क्षमता कम है, वो हमारा एक्स है, वो हमारा प्रमाण क्या है प्यारे बच्चों, एक्स है। देखिएगा, अब जैसे ही हम लोगों ने इसको रगड़ा वैसे ही इसका एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे परमाणु में चला आया। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे कक्षा में चले गए। ध्यान देखना, यहां इलेक्ट्रॉन अब नहीं रह गया मेरे प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ दिया है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। अब देखना, इलेक्ट्रॉन गया इस कक्षा में, अब देखो प्यारे बच्चों यहां 1 2 3 4 तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान से देखिएगा, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां कितनी हो गई, 4 हो गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां 4 हो गई, और जो प्रोटॉन थे प्यारे बच्चों, वो प्रोटॉन तो 3 ही हैं, देख रहे हो, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 3 है। आगे देखना, जिनसे निकल कर गए हैं उनमें गिनो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो इनमें प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितनी है, 6 है। चलो, अब प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन जो है 7 है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है भैया, प्रोटॉन की संख्या 7 है। इतनी बात अभी हमको समझना है कि जब दोनों को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन इनमें से निकलकर इसमें गया है, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई। अब देखो प्यारे बच्चों, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई वो कौन सा आवेश हो गया प्यारे बच्चों, धन आवेश। कौन सा आवेश हो गया, धन आवेश। अभी इससे पहले आपने देखा था, रगड़ने से पहले ये उदासीन था, अब रगड़ने के बाद ये धनावेश हो गया, और जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई प्यारे बच्चों वो कौन सा आवेश हो गया, ऋण आवेश। कौन सा आवेश हो गया, ऋण आवेश। बोलो, इतनी बात मक्खन हो गई, बोलो इतनी बात आपको क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चों। एक बार जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको अपने दिमाग में सेट करने का प्रयास करना प्यारे बच्चों, क्या कि दो परमाणु थे उनको हमने आपस में रगड़ा, रगड़ने के बाद इनमें से एक इलेक्ट्रॉन या दो, जरूरी नहीं है कहीं 2 या 3 4 या 5, कुछ भी इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें चले गए, और चलने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई प्यारे बच्चों वो कौन सा आवेश हो गए, धनावेश हो गए। वो कौन सा आवेश हो गया, धनावेश, और जिनमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई वो ऋणावेश हो गए। यानी प्यारे बच्चों, आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है, एक क्या होता है, ऋण आवेश होता है। ये बात हम यहां नोट कर दे रहे हैं प्यारे बच्चों, याद रखना, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। यहां नहीं लिखा गया है आवेश, आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन सा पहला प्यारे बच्चों, पहला है हमारा धनावेश, पहला कौन सा है प्यारे बच्चों, धनावेश, और दूसरा कौन सा है यार, ऋण आवेश। सॉरी, देखो प्यारे बच्चों, दूसरा कौन सा है, ऋण आवेश। बोलो, कोई दिक्कत, पहला धनावेश, दूसरा ऋण आवेश। धनावेश क्या होता है, जिन इलेक्ट्रॉनों की अधिक कमी ही, इलेक्ट्रॉनों की कमी ही धनावेश कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ही ऋणावेश कहलाता है। यानी जिन पदार्थों में से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पदार्थ पे धनावेश आता है, और जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जिस पे जाता है उस पे ऋणावेश आता है। बोलो, इतनी बातें आपकी क्लियर हुई प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको अभी तक नहीं कहीं पर दिक्कत है तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं प्यारे बच्चों, और कहीं पर अगर आपको समस्या आता है ना तो एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों कि मुझे सर ये चीज़ें नहीं समझ आई, ठीक। तो पक्का है कि मैंने आपके कमेंट पे वो बात जरूर वीडियो बनाया जाएगा कि भाई कौन सी चीज़ें थी जो आपको नहीं समझा पाया, ठीक। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं, आगे की ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। चलो, हाँ, एक बात और ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो धनावेश और जो ऋणावेश था, ये नाम किसने दिया था जानते हो, फ्रैंकलिन ने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया था कि आवेश दो प्रकार के, तो उनका नाम धनावेश और ऋणावेश, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही दिया था, ठीक। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाली प्यारे बच्चों, वो आवेश का मूल गुण है। क्या है आवेश का मूल गुण, कुछ ऐसे गुण लिखे गए हैं प्यारे बच्चों, सारी लाइनें हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं क्या है। आवेश कौन सी राश है, अधिश राश है। आवेश कौन सी राश है प्यारे बच्चों, अधिश राश है। अर्थात आवेश को व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती,
आवेश हमारी एक अधिश राशि है। साथ में हम ये कह सकते हैं एक व्युत्पन्न राशि है। कौन सी राशि भी है? व्युत्पन्न राशि भी है। याद रखिएगा, आवेश अधिश राशि तो है तथा कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि। कौन सी राशि है? व्युत्पन्न। अब आप कहेंगे सर ये व्युत्पन्न राशि कौन सी राशि होती है? अरे क्लास इलेवंथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भैया व्युत्पन्न राशि कौन होती है? व्युत्पन्न राशि वो होती है जो कि किसी पर डिपेंड होती है। व्युत्पन्न राशि वो होती है जो मूल राशि के सहायता से उत्पन्न होती है। मूल राशि की सहायता से मिलने वाली राशि से मिलने वाली राशि। बोलो 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 भैया, बात इतनी क्लियर हो रही? आवेश कौन सी राशि है? अधिश राशि। अधिश राशि क्या होता है प्यारे बच्चों? जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती वो अधिश राशि होता है। अब व्युत्पन्न राशि है यानी मूल राशि से उत्पन्न हुई है। चलिए आगे बात करते हैं। अगली बात है क्या है? आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो प्यारे बच्चों कुलाम होता है। क्या होता है? कुलाम होता है। याद करने के लिए याद रखिएगा कि कुलाम का सिंबल हम लोग सी से दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? सी से। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कुलाम है। नेक्स्ट बात करेंगे तो आवेश को किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों? क्यू से। किससे व्यक्त करते हैं? क्यू से। किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों? क्यू से। तो आवेश का जो सिंबल है वो क्या है? क्यू है। ठीक, आगे बात करें तो जो हमारा आवेश था वो दो प्रकार के था, एक धन आवेश एक ऋण आवेश। तो पहला कर अभी कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस लाइन को समझो जरा सा। समान आवेश का मतलब है कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है एक पॉजिटिव है, ये हमारे समान आवेश है। ये इन दोनों जोड़ों को हम क्या कहेंगे? समान आवेश। अब बताओ ये धन वाला कभी एक दूसरे के पास नहीं जाएगा, ये एक दूसरे को दूर की तरफ ही ढकेलेंगे, एक दूसरे को दूर की ही तरफ ढकेलेंगे। इस प्रकार के आवेश को हम क्या कहते हैं? धन समान आवेश। तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब जरूरी नहीं प्लस ही प्लस रहे प्यारे बच्चों, माइनस भी रहता है तो वो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करते हैं, ये इधर की तरफ ये इधर की तरफ। तो इन्हें सजाती आवेश भी कहते हैं। तो सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर की तरफ ढकेलते हैं। और जो हमारे विपरीत आवेश होते हैं, विपरीत आवेश मतलब विजाती आवेश, विजाती आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो प्यारे बच्चों कि अगर हमारे पास एक प्लस चार्ज है एक हमारे पास माइनस चार्ज है, तो ये इनको इधर की तरफ खींचेंगे, ये इनको इधर की तरफ खींचेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना, ये रिपल कर रहे हैं ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब भैया ये एक दूसरे को दूर ढकेलना चाहते हैं, ये एक दूसरे को पास में खींचना चाहते हैं। तो ये समान आवेश और विपरीत आवेश की कहानी हो गई। चलो आगे ध्यान से यहाँ से और अच्छी अच्छी बातें क्या नोट करनी है भैया? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? फैराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। और याद रखिएगा कि एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। क्या होता है प्यारे बच्चों? 96,500 कूलम। सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, और फैराडे का जो एक फैराडे होता है वो 96,500 कूलम के इक्वल होता है। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो रही प्यारे बच्चों? इतनी बात आपकी क्लियर हो? चलो फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे पड़ा, जिन्होंने ये बताया था कि आवेश दो प्रकार के हैं, तो जिनका नाम रखा गया धनावेश और ऋण आवेश। फ्रैंकलिन ही थे, अंग्रेजी वैज्ञानिक थे प्यारे बच्चों ये फ्रैंकलिन। अब मन में क्वेश्चन था यार एक फ्रैंकलिन इक्वल कितना होता है? तो एक मिनट के लिए प्यारे बच्चों तो ध्यान से देखना, एक फ्रैंकलिन, तो अगर हम बात करें एक फ्रैंकलिन इक्वल टू, तो 3.35 × 10⁻⁻⁶ इतना होता है अप्रॉक्सीमेट। एक फ्रैंकलिन इक्वल टू होता है 3.35 × 10⁻⁶ ये छोटे मात्रक की कहानी होगी। फिर यार बात किया गया कि आवेश का सीजीएस मात्रक, मतलब सीजीएस पद्धति में मात्रक, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक स्टैट कूलम होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? स्टैट कूलम। ध्यान से देखना क्या होता है स्टैट कूलम, और स्टैट कूलम या इसे ही हम लगते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब अगर क्वेश्चन उठता है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर कितना होता है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर होता है एक फ्रैंकलिन के ही लगभग बराबर होता है, लगभग। ठीक मेरे बच्चों, तो इसका स्टैट कूलम हो गया। फिर उसके बाद आवेश का एम्पीयर्स में मात्रक, आवेश का एम्पीयर्स में मात्रक क्या था? एम्पीयर सेकंड। अब आपके मन में चल रहा होगा कि ये एम्पीयर सेकंड कहां से आया, तो हमने एक कक्षा 10 में पढ़ा था प्यारे बच्चों क्यू बराबर आई इंटू टी, इस वाले सूत्र से आई की मात्रक एम्पियर, टी का मात्रक सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड आ गए तो मात्रक एम्पियर सेकंड। लास्ट बातें करते हैं प्यारे बच्चों, तो आवेश की बीमा होती ए टी, कहाँ से आया? अरे धारा के लिए ए लगाते हो, टी के लिए टी लगाते हो, तो ए टी हो गया, तो ये हो गई इनकी बीमा। ठीक, इतनी बातें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? इतनी बातें आपको समझा? चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। ये सारी चीज़ें आपको
कुछ चैनल के टेलीग्राम है, टेलीग्राम के पेज पे आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी प्यारे बच्चों पीडीएफ के रूप में, आप वहाँ से इसको नोट्स बना सकते हो। नोट्स के चक्कर में मत पड़िए कि क्या नोट्स हमको मिले, फिर बच्चों जितनी बार नोट्स बनाओगे ना उतनी बार आपकी आदतें पड़ती हैं, चीज़ें याद हो जाती हैं, चीज़ें यहाँ बैठ जाती हैं। दूसरे का लिखा नोट्स आप लेके पढ़ रहे हो तो वो आपको नहीं, वो आपको कहीं ना कहीं वीक बना रहा है प्यारे। तो ये रहा आपका अगली बात है। अब हम बात करेंगे आवेश के कुछ अवगुण, ये तो नॉर्मल गुण थे, और जो कुछ है वो ध्यान से देखना। अगली बात है ये आवेश का जो है हमारा अगला गुण आता है आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। अब प्यारे बच्चों संरक्षण का सिद्धांत वो होता है कि जिसको ना हम ना तो उत्पन्न कर पाए ना तो नष्ट कर पाए वो हमारा संरक्षण होता है। क्या करा आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। ये बात बोल रहा है मतलब यार कि किसी पदार्थ में न तो हम आवेश को बढ़ा सकते हैं न तो आवेश को घटा सकते हैं, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदल सकते हैं। ये चीज़ आवेश के संरक्षण का सिद्धांत है। अब कैसे होता है, अब देखो ध्यान से देखना क्या होता है। हमने क्या कहा प्यारे बच्चों, वो चीज़ आप देखो कि कैसे क्या होता है। हमने कहा कि अगर कोई हमारे पास ये था कोई छड़ था, ध्यान से ये कोई छड़ था और ये कोई दूसरा छड़ था, ये कोई हमारे पास दूसरा पदार्थ था, ये दो पदार्थ थे, इन दोनों पदार्थ पे रगड़ने से पहले इस पे 7 कूलाम का चार्ज था, इस पे प्यारे बच्चों 8 कूलाम का चार्ज था। ये दोनों पदार्थ हैं, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों पदार्थ हैं, दोनों पदार्थ को रगड़ने से पहले इस पे 7 कूलाम है, इस पे 8 कूलाम है। ये रगड़ने से पहले की कंडीशन है, कहाँ की कहानी है भैया, रगड़ने से पहले की। तो ये चीज़ हम यहाँ ज़रूर नोट कर रहे हैं कि रगड़ने से पहले, देखना रगड़ने से पहले। अब रगड़ने के बाद ध्यान देखना, रगड़ने के बाद क्या कहानी है हमारी। अब ये जो छड़ था आपका, जो चालक था वो कुछ इस प्रकार है और ये कुछ इस प्रकार है, और प्यारे बच्चों ये कोई जो दूसरा चालक था ये था, ठीक। अब रगड़ने के बाद, रगड़ लिए, रगड़ने से पहले था, रगड़ने के बाद क्या है वो ध्यान से देखना। इस पे 7 कूलाम थे, इस पे 8 कूलाम थे, तो रगड़ने के बाद दोनों पे आवेश की मात्रा समान रूप से बढ़ जाती है प्यारे बच्चों। तो अब क्या हो जाएगा, तो इस पे जो देखिए रगड़ने के बाद, रगड़ने से पहले, रगड़ने के बाद क्या होगा, तो दोनों पे आवेश समान रूप से बढ़ जाएगा, तो 15/2 कूलाम यहाँ हो जाएगा, 15/2 कूलाम यहाँ हो जाएगा। इस बात को समझिए कैसे 15/2 हुए, कैसे वो भी मैं बता रहा हूँ। रगड़ने से पहले है और ये रगड़ने के बाद है, ये रगड़ने के बाद है। अच्छा इसको और आसान कर दें, और आसान ये हो सकता है प्यारे बच्चों कि थोड़ी देर के लिए हम आपको और बता दें आसान और क्या हो सकता है, एक मिनट इसी को भी फिर से मैं समझा रहा हूँ आपको, ये ठीक। रगड़ने के बाद क्या, मान लो इस पे 4 गुलाम हो गए प्यारे बच्चों, इस पे 11 गुलाम हो गए, रगड़ने के बाद, रगड़ने से पहले, तो भैया रगड़ने से पहले कितने गुलाम थे, 7 और 8 मिल के प्यारे बच्चों 15 गुलाम था, रगड़ने के बाद 11 और 4 जोड़ के कितने हो गए 15 गुलाम। तो यही तो वो कर रहे हैं कि हम ना तो इनमें आवेश बाहर से उत्पन्न कर सकते हैं और ना तो नष्ट कर पा रहे हैं, मतलब ना तो आवेश को बढ़ाया जा सकता है ना तो घटाया जा सकता है, नेट आवेश हमारा जितना रहता है उतना ही रहता है, बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। देखो यहाँ 7 था, यहाँ 4 हो गया, मतलब 3 कूलाम चार्ज इसमें आ गए, रूपांतरित हुआ पर नष्ट नहीं हुआ है, कम नहीं हुआ है, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में गया है, ठीक। तो ये चीज़ कहता आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, मतलब ना तो हम उत्पन्न कर पाएंगे ना तो नष्ट कर पाएंगे, ठीक। अच्छा कुछ बातें और करते हैं, मन में आपके जरूर क्वेश्चन उठता है, क्या जानते हो कि क्या यार आवेश, देखो बात ये है कि यहाँ कभी कभी आप लोगों से ये चीज़ें पूछ लिया जाता है कि यदि आवेश गतिमान हो, यदि आवेश क्या हो, गतिमान हो, सॉरी यदि पदार्थ गतिमान हो, यहाँ पदार्थ गतिमान होना चाहिए था, ठीक गलती हो गई, यहाँ आपका कौन होना चाहिए पदार्थ, यदि पदार्थ गतिमान हो, यदि पदार्थ गतिमान हो आवेश की मात्रा क्या होगी, आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी या घट जाएगी, मात्रा बढ़ जाएगी या घट जाएगी,
ये प्यारे बच्चों आपका कमेंट सेशन में आपका आंसर देना है, आपको बढ़ जाएगी घट जाएगी, ध्यान से देखना। ये प्यारे बच्चों आपको कमेंट सेशन में आंसर देना कि आवेश, क्या पदार्थ अगर गतिमान हो जाए तो क्या आवेश की मात्रा, मतलब उस पर आवेश बढ़ेगा या घटेगा, बस ये बताना है आपको। एक क्वेश्चन ये है, ठीक। दूसरा बात हम लोग और करते हैं, यदि किसी पदार्थ में द्रव्यमान न हो, यदि किसी पदार्थ में द्रव्यमान न हो तो उसमें आवेश संभव नहीं होता, आवेश संभव नहीं होता है। इस बात को ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये आपके लिए पॉइंट बहुत बढ़िया है कि यदि हम किसी पदार्थ में द्रव्यमान, मतलब कहने का मतलब कि बिना द्रव्यमान का आवेश संभव नहीं है, बल्कि बिना आवेश का द्रव्यमान संभव है, तो बिना द्रव्यमान का आवेश संभव नहीं है, ठीक। तो ये बातें हमारी, अब हम आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों अगली गुण की। अगली गुण क्या करी उसको ध्यान से देखो, ये अगली बात है क्या, आवेश की योज्यता क्या करी प्यारे बच्चों, कि किसी निकाय में आवेश उसी प्रकार जोड़ा उसी प्रकार घटाया जा सकता है जिस प्रकार बीजगणितीय को जोड़ा जाता है। निकाय का मतलब क्या, निकाय मतलब कोई सिस्टम, कोई पात्र, ऐसे कोई निकाय है। देखो अब हमने क्या कहा भैया कि इनमें देखो दो ई है, फिर तीन ई है, चार ई, पाँच ई, फिर माइनस दो ई, माइनस तीन ई, माइनस चार ई, ठीक, और ये आठ ई। मैंने कहा बताओ निकाय का कुल कितना आवेश होगा, तो वो क्या कर रहा कि किसी निकाय में आवेश को उसी प्रकार जोड़ सकते हैं जिस प्रकार बीजगणितीय को जोड़ा जाता है। बीजगणितीय को कैसे जोड़ते थे यार, अगर इसे दो एक्स दे दिया, दो एक्स में दो एक्स को जोड़ते तो कितना आता था, चार एक्स आता था। अब दो एक्स और प्लस तीन एक्स और माइनस दो एक्स करोगे तो कितना आएगा, ये चीज़ कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, तीन एक्स लिखते थे नहीं, तो यही तो है, जिस प्रकार बीजगणितीय को जोड़ा जाता है उसी प्रकार निकाय में आवेश को भी जोड़ा जाता है। देखो कैसे, अब यहाँ से बोलो मेरे प्यारे बच्चों निकाय का कुल आवेश क्या हो जाएगा, सेम बीजगणितीय जोड़ करना है, निकाय का कुल आवेश बोलो निकाय का कुल आवेश क्या होगा, चलो बोलो निकाय का कुल आवेश कितना होगा, पहले प्लस वाले को ऐड करो यार, दो चार आठ, आठ दो दस, चार चौदह, पाँच उन्नीस, उन्नीस उन्नीस उन्नीस, तीन बाईस, मतलब यार प्लस वाले 22 गुलाम हैं और माइनस वाले कितने हैं, दो, तीन दो पाँच, पाँच चार नौ, तो 22 माइनस नौ, 22 में से नौ घटा दोगे भैया 13 गुलाम, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, मतलब कि किसी भी निकाय में आवेश को हम लोग उसी प्रकार जोड़ सकते हैं जैसे हम लोग बीजगणितीय को जोड़ते हैं। बोलो ये बात क्लियर हो गई, ये बात आपकी क्लियर हुई। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, अगली प्रॉपर्टी पर बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी है, याद रखना आवेश की ये लास्ट प्रॉपर्टी है, और मैं आपको ये भी कह रहा हूँ ये हमारे यहाँ से आपका एक सवाल या एक क्वेश्चन बनता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है प्यारे बच्चों, इसको जरा सा भी नज़रअंदाज मत करना। किसी पदार्थ में आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं के पूर्ण गुणज होते हैं। अब ये बात समझते हैं, लिखने में तो आसान है, हम लिख के एक नंबर पा लेंगे कि भैया किसी पदार्थ में जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या के पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब क्या होता है वो समझिए, जैसे मैंने क्या कहा कि आओ एक एक एग्जांपल लेते हैं और बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले। देखो जैसे मैंने क्या कहा, ये कोई पदार्थ हो गया, इसमें बोला गया भैया कि जो आवेश है, इसमें जो आवेश है वो 7/2 ई है, ठीक, ध्यान से देखना। फिर ये कोई दूसरा पदार्थ है, इस पदार्थ में Q जो है वो 3 कूलम है, चलो मान लिए, ठीक है। उसके बाद यार हमारे पास और कोई पदार्थ दे दिए गए, ये कोई पदार्थ है जिसमें Q क्या है 8/3 है, ठीक। अब ये कोई पदार्थ है, इसमें आवेश जो है -2 ई है, ठीक। उसके बाद अगली बात करें तो ये कोई पदार्थ है जिसमें Q -7/5 ही है, और ये कोई पदार्थ है जिसमें -3 ही है, ठीक। तो हमने कहा बताओ कि क्यों इस पदार्थ में आवेश की मात्रा संभव है और किस पदार्थ में आवेश की मात्रा संभव नहीं है, यही चीज़ हमको पकड़ना कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के पूर्ण गुणज, इलेक्ट्रॉन की संख्या का पूर्ण गुणज का मतलब समझ रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो पूर्ण होनी चाहिए, अपूर्ण नहीं होनी चाहिए, पूर्ण मतलब 1, 2, 3, 4 चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, पूर्ण का मतलब है प्यारे बच्चों की पूरी टोटल नंबर हो,
मतलब वो आपका अपूर्ण संख्या नहीं होनी चाहिए। तो बताओ देखो कौन कौन पूर्ण है, पहले तो देखो कि ये चीज संभव है, ये चीज संभव है कि ये बात हम मान सकते हैं कि किसी पदार्थ में आवेश 3 कूलम्ब के बराबर हो सकता है, पर ये नहीं मान सकते कि किसी पदार्थ में आवेश 7/2 ही के बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन सबसे सूक्ष्म कण होता है और इलेक्ट्रॉन को डिवाइड यानी इलेक्ट्रॉन को विभाजित नहीं कर सकते, तो ये इलेक्ट्रॉन की पूर्ण संख्या नहीं, ये इलेक्ट्रॉन की अपूर्ण संख्या। 7 से 2 में भाग दोगे 3.5 आएगा और 3.5 इलेक्ट्रॉन कभी पॉसिबल नहीं है। यही चीज समझाना चाह रहा है, ये पॉइंट, ये चीज आपको बताना चाह रहा है कि आवेश जब भी कभी किसी पदार्थ में आवेश पाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण संख्या में पाया जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, -2 इलेक्ट्रॉन -3 इलेक्ट्रॉन -4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है प्यारे बच्चों। पर कभी ये नहीं हो सकता कि यार 7/2 आ जाए, 8/3 आ जाए, 7/5 आ जाए। 8/3 7/5 आने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना, इलेक्ट्रॉन डिवाइड नहीं है। तो यही चीज है आवेश का क्वांटीकरण, कि मतलब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अपूर्ण संख्या में नहीं, आवेश अपूर्ण संख्या में नहीं होने वाला। आवेश जो होगा वो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन की पूर्ण संख्या के पूर्ण गुणज होगा। तो ये चीज है, इसके लिए एक सूत्र है प्यारे बच्चों, क्यू बराबर +-ne, जहां n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और e इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। ये था प्यारे बच्चों आवेश का क्वांटीकरण। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं आवेश के क्वांटीकरण पे आधारित कुछ प्रश्न जो बचे हुए हैं, कुछ प्रश्न क्या प्यारे बच्चों, कम से कम आपको आवेश के क्वांटीकरण पे 10 सवाल प्रैक्टिस कराएंगे, 10 सवाल आपको दे देंगे, पूरे 20 सवाल हो गए प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद आप एग्जाम में श्योर हो जाना कि कहीं से आवेश के क्वांटीकरण पे क्वेश्चन बनता है तो वो आपका तोड़ फोड़ के उसके चले आओगे प्यारे बच्चों। ठीक, आज की क्लास में हम लोगों ने जितने टॉपिक की बात की थी सारे टॉपिक क्लियर हो गए प्यारे बच्चों, सारे टॉपिक क्लियर हो गए। कौन कौन सी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा प्यारे बच्चों वो आपने देखा ही, उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। यदि कहीं पर भी कोई भी थोड़ा सा दिक्कत रह गई हो तो उसे कमेंट सेशन में कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नए वीडियो में आवेश के क्वांटीकरण पे आधारित न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए प्यारे बच्चों वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। और प्यारे बच्चों लास्ट आपसे एक है रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।